Hey guys, this is Raghu here. Welcome to Knowledge Sir You. आज हम लोग एयरक्राफ्ट फैब्रिक के लीगल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो हम लोगों ने जनरल हिस्ट्री के बारे में डील किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि पहला फैब्रिक कौन सा यूज किया गया, नेक्स्ट जनरेशन फैब्रिक कौन सा था, उसके एडवांटेज क्या थे, उसके डिसएडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज को कैसे कोप अप किया गया, वो सब के बारे में लास्ट वीडियो में हमने देखा था. ये वीडियो में हम लोग जनरल हिस्ट्री से हटकर हम लोग सर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. कितने टाइप के रिपेयरिंग के लिए कितने टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे. रिपेयरिंग के इंस्ट्रक्शन कौन से डॉक्यूमेंट्स में दिए जाते हैं वो सबके बारे में पढ़ेंगे. इंस्पेक्शन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स दिया जाता है वो सबके बारे में हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे. गाइस, जब भी एयरक्राफ्ट रिपेयर होता है या इंस्पेक्शन किया जाता है या आप बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चर होता है, रिकवर होता है, देन एयरक्राफ्ट को टाइप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. गाइस, जब टाइप सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट को मिलता है, आप तब ये बोल सकते हो कि एयरक्राफ्ट जो है एयरवर्दी है. एयरवर्दी यानी एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई. गाइस, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेशन के लिए मैन्युफैक्चर मैनुअल में दिया जाता है. मैन्युफैक्चर मैनुअल का दूसरा नाम फ्लाइट मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल ही बोल सकते हो आप. ये मैनुअल जो है, जब एयरक्राफ्ट आप परचेस करते हो ओनर से, देन वो बंदा आपको सेट ऑफ मैनुअल्स भी देता है, जिसके अंदर आप वो सजेशन देगा कि ये मटेरियल यूज़ कीजिएगा अच्छा होगा, ये वाला अप्रोच अपनाइएगा इसको रिपेयर करने के लिए, ये वाला अप्रोच अपनाइएगा ये वाला दूसरा पार्ट को ठीक करने के लिए, ये सब उसमें दिया जाता है. अगर आप उसको आप स्ट्रिक्टली वो फॉलो करोगे, दैट केस आपको टाइप सर्टिफिकेट इजीली मिलेगा, अनलेस आपको रेगुलेटिंग बॉडी बोलता है कि उसे यूज़ ना करें. फॉर एग्जांपल, एक ज़माने में कॉटन फैब्रिक बहुत सारे उड़ाते थे, कॉटन फैब्रिक के एयरक्राफ्ट बहुत सारे रहते थे, लेकिन आजकल हम लोग कॉटन ए ग्रेड का कॉटन स्पेशली आजकल बनता भी नहीं है, एविएशन सेक्टर में यूज़ भी नहीं करते हम लोग. तो अगर ऐसा है तो क्या करें, आपको उसका अल्टरनेट फैब्रिक आप कंसल्ट कर सकते हैं, अल्टरनेट फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं जिसका स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा हो. जैसे बताया गया है, जहाँ जहाँ कॉटन फैब्रिक यूज़ किया जाता है उधर पॉलिस्टर फैब्रिक के साथ रिप्लेस किया गया. व्हाई? बिकॉज इट इज़ मच मोर लाइटर, का लॉन्ग लाइफ है, स्ट्रेंथ उसका अच्छा है, कॉस्ट भी कम है, तो इसलिए कॉटन को पॉलिस्टर के साथ रिप्लेस किया गया. गाइस, तीन टाइप के सर्टिफिकेट नॉर्मली दिया जाता है. सप्लीमेंटल टाइप सर्टिफिकेट, दैट इज एसटीसी. दूसरा होता है फील्ड अप्रूवल. तीसरा होता है टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट. ये तीन टाइप के सर्टिफिकेट नॉर्मली एयरक्राफ्ट को लेने पड़ते हैं अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में. जब आप एसटीसी का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, दैट केस आपको एसटीसी ही आपको सेट ऑफ रूल्स आपको बताएगा, सेट ऑफ स्टेप्स बताएगा. फॉर एग्जांपल, रिपेयरिंग करना है, आप वो सेट एसटीसी बताएगा कि ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, आपको एसटीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा. अगर आप स्ट्रिक्टली एसटीसी के रूल के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, देन आपको ईजिली एसटीसी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर आप कुछ मटेरियल से डेविएट होते हैं, इसके बदले कोई और मटेरियल यूज़ करूँगा, सेट ऑफ रूल्स से आप डेविएट होते हैं, देन आपके एयरक्राफ्ट को अन एयरवर्दी घोषित किया जाएगा. और एक चीज़ भी है, जब आप कोई मटेरियल आप परचेस करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरक्राफ्ट के फैब्रिक को चेंज करना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट के फैब्रिक को चेंज करने के लिए आप ऑब्वियसली वुड परचेसिंग फैब्रिक फ्रॉम समवन एल्स, राइट? अगर किसी और से परचेस करना चाहते हैं, देन वो बंदे के पास जो फैब्रिक बेच रहा है, वो बंदे के पास पहले से उसका एसटीसी अप्रूवल होना चाहिए, फैब्रिक का एसटीसी अप्रूवल होना चाहिए. तब जब आप वो एसटीसी अप्रूव्ड फैब्रिक को आप अपने एयरक्राफ्ट में लगाओगे, देन आपको सेट ऑफ रूल्स के साथ जो एसटीसी ने रिकमेंड किया है, वो सेट ऑफ रूल रिकमेंडेड रूल के साथ आपने फैब्रिक को लगाया एयरक्राफ्ट पर, इन दैट केस ही आपको एसटीसी अप्रूवल मिला जाएगा, दे दिया जाएगा, वरना आपको एसटीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. दूसरा होता है फील्ड अप्रूवल. गाइस, जब आप मटेरियल चेंज करना चाहते हैं,
ऐसा मटेरियल चूज़ करना चाहते हैं जो एसटीसी अप्रूव्ड नहीं है, ना ही मेंटेनेंस मैनुअल में कुछ रिकमेंड किया गया है मटेरियल के बारे में। इन दैट केस आप फील्ड अप्रूवल लोगे। फील्ड अप्रूवल हमेशा वन टाइम अप्रूवल रहता है, वो हमेशा फ्लाइट स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से लिया जाता है। गाइस जब ये नया मटेरियल जब यूज़ करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को आपको थोड़ा पूरा डिटेल देना पड़ता है, पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, वो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, आपने इसमें क्या देखा, एट द सेम टाइम ये अल्टरनेट मेथड जो है इससे आकर आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा या कम होगा या सेम मीट करेगा, ये सब आपको डिटेल में लिख के देना है। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली फॉर्म 337, फॉर्म नंबर 337 आपको भर के देना पड़ेगा। जब ये सब आप फॉलो करते हैं के बाद आपको फील्ड अप्रूवल मिलने का चांस है, वो तब भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको फील्ड अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट आता है टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट। टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट जो है जब आप नया प्रोसेस अप्रोच करते हैं, नया दैट इज नथिंग बट मटी है। पहला क्या बोला, हम लोग ने बोला था कि एसटीसी जो है रूल के हिसाब से गए तो एसटीसी मिलेगा, नया मटेरियल चूज किया, इन दैट केस आपको फील्ड अप्रूवल मिलेगा। जब आप नया अप्रोच ही बनाते, प्रोसेस ही नया बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट मिलता है। गाइस और एक टर्म भी है जो लीगल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एडवाइसरी सर्कुलर। एडवाइसरी सर्कुलर में आपको नए मेथड्स, टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस जो इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी है, जनरल ये सब जो जनरलाइज्ड होते हैं आप फॉलो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। आप अगर क्लास और फॉर एग्जाम आपके पास मेंटेनेंस मैनुअल है, एट द सेम टाइम आपके पास एडवाइसरी सर्कुलर है, एंड आप एयरक्राफ्ट को रिपेयर करना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो, दैट केस आप मेंटेनेंस मैनुअल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। बट अगर वो मेंटेनेंस मैनुअल में आपके पास डिटेल्स नहीं है, इन दैट केस आप एडवाइसरी सर्कुलर को फॉलो कर सकते हैं। फैब्रिक्स के लिए देर इज़ अ एडवाइसरी सर्कुलर जिसके अंदर फैब्रिक्स को रिपेयर कैसे किया जाता है, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, टेस्ट कैसे किया जाता है, एंड असेंबल कैसे किया जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा, वो सब जो है डिटेल में दिया गया है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, AC 43.13.1, AC 43.13.1 के अंदर ये पूरा डिटेल्स दिया गया है। गाइस जब आप मटी को पूरी तरह चेंज करते हैं तो फॉर्म 337 आपको भरना पड़ता है। फॉर्म 337 भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको सही में अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपको डिटेल ब्यौरा डिटेल्स देना पड़ता है, फर्दर डिटेल्स भी देना पड़ सकता है, एंड आपका एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको अपने सबमिट तो कर दिया, एट द सेम टाइम एफएसडीओ मतलब क्या बोला गया था उसका, एफएसडीओ का फुल फॉर्म क्या था, फ्लाइट और स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, फ्लाइट स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बोलते हैं उसको, फ्लाइट स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है पूरा कंडीशन सबका एयरक्राफ्ट का चेक करेगा। आप या अपने जो प्रोसीजर अपनाओगे आप उससे एयरक्राफ्ट में क्या इफेक्ट होगा, सही है कि गलत है, वो सब आप वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद आपको अप्रूवल दे सकता है। एक एक बार आपको फर्दर डिटेल भी पूछा जा सकता है, जितना आपने डिटेल दिया कम हो सकता है, और फर्दर डिटेल पूछेगा उसके बाद आपको अप्रूवल दिया जाएगा। गाइस अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम मतलब मेजर रिपेयर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के रिपेयर्स रहते हैं, मेजर रिपेयर्स माइनर रिपेयर्स रहते हैं। टाइटल 14 ऑफ कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन या उसका शॉर्ट फॉर्म में 14 CFR भी बोलते हैं, पार्ट 43 अपेंडिक्स A में उसके मेजर रिपेयर्स क्या क्या होते हैं, मेजर अल्टरेशन क्या क्या होते हैं, वो सब के बारे में उधर दिया है। जब भी आप मेजर रिकवरी करते हैं तभी आपको फॉर्म नंबर 337 भरना पड़ता है। मेजर अल्टरेशन करोगे, मेजर रिपेयर करोगे तो फॉर्म नंबर 337 कैसे भी भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप फैब्रिक को बदलते हो, अपेंडिक्स ए में फैब्रिक का रिकवरी के बारे में बात किया गया, माइनर रिपेयर है थोड़ा बहुत फट गया है, उसको आप चेंज करना चाहते हो, लोकलाइज एरिया में चेंज करना चाहते हैं, इन दैट केस आप अपेंडिक्स ए में नहीं आएगा। बट अगर फॉर्म
पूरा फैब्रिक को चेंज करना चाहते हो, दैट केस वो फॉर्म फैब्रिक रिकवरी स्टेज वन मैम अपेंडिक्स ए में आ जाएगा, अपेंडिक्स ए के मेजर रिपेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉट ओनली फॉर ये फैब्रिक, अगर आप फ्यूसेलाज का कोई हिस्सा या टेल सेक्शन का सरफेस बोलो, विंग का सरफेस बोलो, ये सब में अगर आप चेंज करते हो इन दैट केस ऑल्सो, तभी भी आप ये बोल सकते हैं कि ये मेजर रिपेयर है। तो ये सब का ब्यौरा जो आप अपेंडिक्स ए में देख सकते हैं। एंड नाउ कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।